स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी ने सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की राज्य सरकार यूटर्न सरकार के नाम से जानी जा रही है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ऐसे सलाहकारों से घिर चुके हैं जो उनसे निर्णय दिलवा लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद उन्हीं से निर्णय को वापस करवाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैंने शराब नीति पर सवाल खड़ा किया था, जिसमें सरकार एक ही परिवार पर क्यों मेहरबान है। जिन लोगों को शराब डीलरशिप दिया गया था, उनका सभी का खाता एक ही बैंक में क्यों रखा गया है, और वहीं अब फिर सरकार अपने जिम्मे लेना चाह रही है। ऐसे कई नीतियां जिससे सरकार का नाम यूटर्न सरकार से जाना जा रहा है, ऐसे सरकार के निर्णय से सरकार की फजीहत हो रही है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार निर्णय लेने के बाद फिर अपना यूटर्न ले लेती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रिमोट किसी और के हाथ में है। भी कहा है कई ऐसी नीतियां हैं जिसके कारण अब इस सरकार का नाम यूटर्न सरकार हो चुका है। मुझे आश्चर्य लगता है कि क्यों ऐसे सलाहकारों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय घिर गए हैं जो निर्णय उनसे दिलवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उस निर्णय को उन्हीं से वापस करवा देते हैं। इससे फजीहत सिर्फ सरकार की हो रही है। शराब नीति पर मैंने कई बार इस सवाल को उठाया था कि आखिर एक ही परिवार पर क्यों ये सरकार मेहरबान है, एक ही काटल पर क्यों मेहरबान है, एक ही बैंक के में ही सारे जिन लोगों को शराब के जो डीलरशिप मिली है इस बार, वो सारे खाते एक ही बैंक में क्यों हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिनको लेकर शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। अब पता लग रहा है कि सरकार फिर से अपने हाथ में शराब बेचने का काम लेने जा रही है। तो आखिर ये जो रेवेन्यू का लॉस हुआ, ये जो एक आप कह सकते हैं अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हुई राज्य में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य की जनता को हमेशा दिग्भ्रमित करना, आज कुछ कहना कल उससे पलट जाना, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे बेरोजगारों को दिया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये सरकार यूटर्न सरकार बन चुकी है। इसलिए सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। जो अपने निर्णय है आखिर उनका प्रभाव क्या होगा, उसका आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय ले सरकार, तो राज्य की जनता के लिए बेहतर होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।